नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली न्यूज। जी हाँ फ्रेंड, बहुत बड़ी अपडेट है RRB 03/2019 से निकल के। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस ऐसा अपडेट किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आज ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिला। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि जान रही है आप लोग, कुछ दिन पहले यानी कुछ सप्ताह पहले फ्रेंड्स एक RRB पे का ऑफिशियल नोटिस आया था। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को हायर करने के लिए तो RRB ने एक डेट ने दिया था कि हम लोग मार्च से जो फ्रेंड्स एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी उसको हायर करने के उसका बीड उड सब करके मतलब मई तक हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। पर फ्रेंड्स आज एक RRB में एक नोटिस मतलब आया गया फ्रेंड्स, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि फ्रेंड्स RRB जो अभी मूड में नहीं है कोई भी पेपर करवाने के। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 मई के फ्रेंड्स 30 जून तक फ्रेंड्स आप लोगों जो है कोई भी पेपर आप लोग को नहीं करवाने के मूड में RRB के। साफ साफ आप लोग को जो इसके रुतबा जो है RRB के नोटिस में आप लोग जल्दी देखने को मिल जाए। चलिए ले चलते हैं पहले जो इससे पहले एक नोटिस आया था, फिर आपको ले चलते हैं जो आज के नोटिस में जो आया था। चलिए इससे पहले एक नोटिस ले चलते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स एक नोटिस आया, देख सकते हैं ये नोटिस सबसे पहले आप लोग को रिलीज़ किया गया था जो कि RRB अजमेर की वेबसाइट पर, जिसमें फ्रेंड्स नोटिस फॉर इन्वाइटिंग ई टेंडर फॉर एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी ECA हायर करने के लिए इन्होंने नोटिस जारी किया, जिसे इन्होंने साफ साफ तौर के हम लोग जो 03/2019 वाली वैकेंसी यानी आइसोलेशन वाला जो पोस्ट उसको हम लोग हायर करने वाले हैं एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को, एग्जाम हम लोग को कंडक्ट करवाना, तो उसी हिसाब से उन्होंने अपना डेट कर दिया का हम लोग बीट करने का। हम लोग एक दिन देख सकते हैं उन लोगों का डेट ऑफ प्री बीट फ्रेंड्स, उन्होंने 23 मार्च को मतलब कहा था कि 23 मार्च को जो हम लोग डेट ऑफ प्री बीट कर देंगे जो कि फ्रेंड्स 3:30 बजे का। फिर लास्ट डेट ऑफ प्री बीट ऑनलाइन जो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग डेट फ्रेंड्स आप लोग गौर से देखिए इसी की रिगार्डिंग ये नोटिस है। डेट देखिए आप लोग जो कि फ्रेंड दिया गया था 14 अप्रैल 2020। अब फ्रेंड आपको 23 मार्च 2020 को जो फ्रेंड्स बीडिंग होने वाला था। फिर डेट ऑन ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बीट फ्रेंड जो कि वो 16 अप्रैल 2020 को होने वाला था, तो ये सब उन्होंने पहले नोटिस में दिया था। पर फ्रेंड्स आज RRB ने फिर एक ऑफिशियल तौर पर नोटिस जारी किया, जिसमें फ्रेंड्स उन्होंने जो डेट ऑफ प्री बीडिंग फ्रेंड्स जो डेट ऑफ प्री बीडिंग कॉन्फ्रेंस इसको फ्रेंड्स उन्होंने चेंज करके फ्रेंड्स आप लोगों को अप्रैल में कर दिया। चलिए उस नोटिस को भी दिखा दो जो RRB ने आज रिलीज़ किया है। तो वो नोटिस जो फ्रेंड्स RRB ने आज रिलीज़ किया फ्रेंड, उसके लिए आपको RRB गुवाहाटी को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, लगभग सारी RRB पे ये नोटिस सर्कुलेट करते हैं, तो किसी भी RRB आप लोग ये नोटिस चेक कर सकते हो। तो देख सकते हैं आज को नोटिस देखने को मिले, देखते हैं सेल नंबर 03/2019 यानी पारा मेडिकल आइसोलेशन वाला ये मतलब मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेशन कैटेगरी का ये पोस्ट के लिए ये नोटिस आया था। देख सकते हैं कोरेंडम 1 करके यहाँ पे मेंशन किया ई टेंडर एंड इंगेजिंग नोटिस, इसके रिगार्डिंग ये नोटिस। चलिए इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या मेंशन किया, क्या चेंजमेंट आप लोग देखने को मिलेगा इसमें फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज का नोटिस जो RRB पे सर्कुलेट किया जा रहा है, देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट अजमेर, जिसको RRB ने आज जारी किया। लगभग सभी के RRB आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं कोरेंडम नंबर 1, तो देखिए किसके रिगार्डिंग ई टेंडर नोटिस फॉर RRB ऑल टेंडर सेल नंबर 03/2019 के रिगार्डिंग है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते क्या मेंशन किया है। नेम ऑफ वर्क RRB इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी ECA को जो उन्होंने हायर कर रहा था, तो टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटी लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल रिक्रूटमेंट एंड वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी इन इंडियन रेलवे इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर 03/2019, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने फ्रेंड्स एक मतलब उन्होंने बिट डाला था कि जो हम लोग एग्जाम मतलब नोटिस डाला कि हम लोग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी ECA को हायर करें, जो फ्रेंड्स आप लोग को जो प्रोसेसिंग करेगी रिक्रूटमेंट करेगी सारा जो है सब कुछ वो मेंशन करेगी, जिसके लिए उनको चाहिए जो कि आइसोलेशन पोस्ट के लिए। तो देख सकते हैं द रिवाइज डेट फॉर प्री बीड ऑनलाइन ऑफ टेंडर एंड ओपनिंग टेक्निकल बीड विल बी हैज अंडर। जी फ्रेंड, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि आप लोग जो फ्रेंड्स रिवाइज बीट था, तो फ्रेंड्स उसमें जो चेंजमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड आप लोग को कहा था कि डेट पे गौर कीजिए, जो कि फ्रेंड्स पहले वाले मतलब नोटिस में उन्होंने कहा था कि हम लोग 23 मार्च को जो फ्रेंड्स टाइम ऑफ फिर प्री बीड बीडिंग जो कॉन्फ्रेंस हम लोग करवाएंगे, तो फ्रेंड पर फ्रेंड्स ये नोटिस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग जो है 23 मार्च को नहीं करके बल्कि 7 अप्रैल को कराएंगे। देख सकते हैं उसने नोटिस किया, यानी फ्रेंड्स जो डेट को उन्होंने बढ़ा दिया, यानी इससे ये साफ पता चल रहा है कि जो RRB अभी किसी भी मूड में ये पेपर करवाने की मूड में नहीं है। देख सकते हैं हम लोग उन्होंने कहा कि 7 को हम लोग जो है फ्रेंड्स प्री बीट कॉन्फ्रेंस करेंगे जो कि 3:30 बजे होगा अजमेर में। फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो कि फ्रेंड्स वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था 3 अप्रैल, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप लोग 1 मई देखने को मिलेगा जो कि 4 बजे। फिर देखिए डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग टेक्निकल बीट जो फिर देखने को मिलेगा 1 मई 2020 3:30 बजे। तो यानी फ्रेंड घूम फिर के आप लोग देख सकते हैं ये वैकेंसी आप लोग को फ्रेंड्स जो 1 मई तो उन्होंने RRB फ्रेंड्स अभी टेंडर हायर करी, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी मार्च महीना चल रहा है, अप्रैल में यानी 1 मई को 2 महीने के बाद वो टेंडर हायर करेगी, फिर उस पर काम करेगी, फिर देखेगी एजेंसी कौन करेगी, तो उसमें फ्रेंड्स बहुत ही समय लगने वाला। तो इससे ये साफ पता चल रहा कि देख सकते हैं कि RRB जो अभी भी कोई मूड में चल लगता है फ्रेंड्स सेप्टेम्बर अक्टूबर आ जाएगा जो कि RRB का पेपर नहीं करवा पाएगी, क्योंकि कोई भी मूड में नहीं है कोई पेपर अपना कंडक्ट करवा ले जल्दी से जल्दी स्टूडेंट लोग को
नियुक्ति दे दीजिए फ्रेंड्स से, ये साफ पता चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स खुद ही, आप लोग समझदार नोटिस आप लोग खुद ही पता चल जाए कि ये डेट क्यों बढ़ाया जा रहा है फ्रेंड, डेट पर डेट, क्योंकि फ्रेंड्स वो टेक्निकल कॉन्फ्रेंस होता तो बंद होम में या बंद रूम में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके अपना जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हायर करके और फ्रेंड्स जल्दी जल्दी उनको वैकेंसी जो पेंडिंग वैकेंसीज को करवाना चाहिए था फ्रेंड्स। बस ये शॉर्ट नोटिस तो मैं सोचा आप लोगों के लिए सर्कुलेट कर दूँ। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड्स।